फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एक न्यू रेसिपी में। तो आप ये देख सकते हैं, ये है चने का दाल जो कि मैं रात भर भिगाई थी और ये फूल चुके हैं अच्छी तरीके से। इन्हें मैं अच्छी तरीके से धुल ली हूँ बढ़िया। अब इनको जार में एक डाल रही हूँ। फ्रेंड, दाल थोड़ा ज़्यादा है तो इसको दो बार में पीसेंगे फिलहाल। और यहाँ पर अभी हम डालेंगे इसमें लहसुन, तो ये है 5-6 कलियाँ लहसुन की। और ये है मिर्ची, 5-6 मिर्ची इनको डाल देते हैं। और कुछ हैं अदरक के टुकड़े, इन्हें डाल देते हैं। अब इनको डाल करके दरदरा पेस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये अच्छे तरीके से पीस चुका है, आपको दिखाऊं उठा के। ये कुछ इस तरीके से पीसना है, तो चलिए इसे हम थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ्रेंड, जो पीस गया था इसे हम निकाल दिए हैं और जो बचा था इसे भी पीस लेते हैं पूरा। थोड़ा पानी डाल के ही पीसेगा फ्रेंड। देखिए, दाल पीस करके एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका है। कुछ इतना दरदरा पीसिएगा, ज़्यादा महीन मत करिएगा। अब इसमें हम मिलाते हैं 1 कटोरी कटा हुआ धनिया। हींग बहुत ही ज़रूरी है, इसे स्किप मत करिएगा। स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्रेंड, ये बहुत अच्छा ही डिश बना रही हूँ आज मैं। इसको आप कभी भी बना सकते हैं, चाहे सुबह नाश्ते में या ब्रेकफास्ट या लंच डिनर किसी में भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा डिश है फ्रेंड, एक बार खाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये मेरे ससुराल में बनाया जाता है बहुत, अब तो सब जगह बनने लगा है। जब आदमी खा लेता है ना तो फिर वो हर जगह फेमस होने लगता है। जहाँ का आदमी खा के जाता है फिर वहाँ भी ये बनने लगता है। लेकिन मैं भी फ्रेंड पहली बार अपने ससुराल में खाई थी। मेरे मायके में भी तो बनता था, बट थोड़ी दूसरे तरीके से बनता था। बट ये मेरे ससुराल में ना बहुत कुछ अच्छी अच्छी डिशें बनती हैं जो खा के मज़ा आ जाता है। सीधा सादा सिंपल रहता है। तो चलिए, देखिए ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, मिक्स कर दिए हैं। अब इसके लिए हमें सख्त आटा गूंथना है। फ्रेंड देखिए, यहाँ हम आटा गूंद के रखे हैं, तो आटा थोड़ा टाइट ही गूंदना है। देखिए जैसे हम गूंथे हैं ना, इतना टाइट आटा गूंथना है। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रोसेस। फ्रेंड देखिए, यहाँ गैस ऑन कर दिए हैं हम और एक कढ़ाई रखे हैं इस पर। इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आप बड़ा ही बर्तन चढ़ाइएगा और पानी कम से कम 1.5-2 लीटर की जितना डालना है। बस इतना जगह खाली रखेंगे, क्योंकि जब उसमें अब इसको हम अच्छे तरीके से खोलने देंगे पानी को। देखिए, इतनी छोटी हमें लोई ले लेनी है और इसको हमें पूड़ी का आकार देना है। गाइस, दोस्तों देखिए, पूड़ी जैसा हम बेल लिए हैं और आपको भी कुछ इतना मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हम पानी में डालेंगे और इससे इस चम्मच से उठा के हमको 2 चम्मच के जितना इसमें भर देना है। थोड़ा भर भर के बनाइएगा। और जैसे हम गुजिया फोल्ड करते हैं ना फ्रेंड, उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड कर देना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं, एकदम गुजिया के शेप के जैसे हमको इसको भर के रखना है। तो इसको हम लगा देते हैं थाली में। इसी प्रकार से हम सारा बनाएंगे फ्रेंड। देखिए, दूसरा भी हम बना लिए हैं इसी तरीके से। तो हम फटाफट सारा बना लेते हैं। देखिए पानी खोल रहा है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच के जितना, ताकि हम आटा डालें इसमें बनाया हुआ तो चिपके ना। अब इसमें फ्रेंड पानी में देखिए तेल पौंड गया है। अब इसमें हम जो बनाए हैं उनको डालेंगे। जब पानी खोलने लगेगा तभी आप डालिएगा, वरना आटा गलने लगेगा इसमें। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से डालते जाएंगे हम बना बना के। तो देख लीजिए, अभी मैं फिलहाल 5 बना ली थी तो 5 डाल दे रही हूँ। इनको पकने देंगे तब तक, चाहे आप ढक करके भी पकाइए चाहे खुला ही पकाइए। तो बस इतना जगह खाली रखेंगे, क्योंकि जब उसमें अब इसको हम अच्छे तरीके से खोलने देंगे पानी को। देखिए, इतनी छोटी हमें लोई ले लेनी है और इसको हमें पूड़ी का आकार देना है। गाइस, दोस्तों देखिए, पूड़ी जैसा हम बेल लिए हैं और आपको भी कुछ इतना मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि हम पानी में डालेंगे। और इससे इस चम्मच से उठा के हमको 2 चम्मच के जितना इसमें भर देना है। थोड़ा भर भर के बनाइएगा। और जैसे हम गुजिया फोल्ड करते हैं ना फ्रेंड, उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड कर देना है। तो मैं अभी भी इसको एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ तो दिखाती हूँ बना के। फ्रेंड आप देख सकते हैं, एकदम गुजिया के शेप के जैसे हमको इसको भर के रखना है। तो इसको हम लगा देते हैं थाली में। इसी प्रकार से हम सारा बनाएंगे फ्रेंड। देखिए, दूसरा भी हम बना लिए हैं इसी तरीके से। तो हम फटाफट सारा बना लेते हैं। देखिए पानी खोल रहा है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच के जितना,
ताकि हम आटा डालें इसमें बनाया हुआ तो चिपके ना। अब इसमें फ्रेंड पानी में देखिए तेल पौंड गया है, अब इसमें हम जो बनाए हैं उनको डालेंगे। जब पानी खोलने लगेगा तभी आप डालिएगा, वरना आटा गलने लगेगा इसमें। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से डालते जाएंगे हम बना बना के। तो देख लीजिए अभी मैं फिलहाल पांच बना ली थी तो पांच डाल दे रही हूँ, इनको पकने देंगे तब तक। चाहे आप ढक करके भी पकाइए चाहे खुला। देखिए फ्रेंड ये पक रहे हैं और अब ये जो पक चुके हैं हल्के तो ये ऊपर आ चुके हैं, अब हम और डाल देंगे। जब ये ऊपर आने लगे ना तभी और डालना है ताकि अच्छे से पकें सब, चिपके ना एक दूसरे में। तो देखिए जो हम पहले डाले हुए थे वो सब ऊपर आ चुके हैं और जो अभी हम डाल रहे हैं वो भी अब पकते रहेंगे। तो इन्हें फ्रेंड चलाना वलाना नहीं पड़ता है, अपने आप से पकते रहते हैं। बस इन्हें आप किसी बर्तन से ढक देंगे तो जल्दी पक जाएंगे, और अगर खोल के पकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं ढक दे रही हूँ जल्दी पक जाए। 20 मिनट तक के लिए पकाना है क्योंकि चावल का आटा है और उसके अंदर में हम कच्चा जो है वो भरन भरे हैं, तो इसलिए हमें 15-20 मिनट तक इन्हें पकाना रहेगा अच्छी तरीके से। हो गया था तो आटा बच गया था, मैं इसका ऐसा पतला पतला बना दी हूँ शेप में, इनको भी उबालेंगे। और अभी यहाँ चार बचे हुए हैं, बाकी मैं सब डाल दी थी, ये पक चुकाल लेते हैं सभी को हम फटाफट एक एक करके। तो इस तरीके से छन्नी वाला लीजिएगा ऐसा कुछ, एक थाली ले लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए ऐसे छानते हुए पानी को निकालेंगे हम, सभी को निकाल लेंगे, सब हो चुके हैं, ये पानी को निचोड़ देंगे इसी में। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये, एक बार आप खाएंगे फैन हो जाएंगे। अब तो ये फेमस हो गया है, बनारस और अयोध्या बहुत जगह मिलने लगा है ये, पहले तो लोग जानते नहीं थे। यही होता है ना कि रेसिपी कोई कहीं का खाता है तो ज़रूर फिर ट्राई करता है। तो देखिए पहले मैं थोड़ा बड़ा बड़ा सा बनाई थी बट, और थोड़े छोटे छोटे भी बनाई हूँ, दो साइज में बनाई हूँ, थोड़े मोटे थोड़े पतले। तो ऐसे थाली में सारा निकाल लेंगे हम। ठीक फ्रेंड सारे मैं निकाल दी हूँ, अभी इन्हें एकदम अच्छी तरीके से ठंडे हो जाने देंगे। तो पानी अभी इसमें खोल रहा है, जो बचे हुए हैं इन सबको भी इसी में डाल के पका लेंगे आराम से एकदम। और ये जो हम बनाए हैं छोटे छोटे वाले पतले पतले वाले, ये भी पानी में डाल देंगे, ये भी उबल जाएंगे अच्छी तरीके से। अभी फ्रेंड इनका एक स्टेप बचा हुआ है तो आप पूरा फुल वीडियो देखिएगा, छोड़ के मत भागिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप ये रेसिपी पहले कभी खाए हैं कि नहीं ये भी बताइएगा, और खाए हैं तो कैसा लगा है ये भी बताइएगा। ठीक है तो हम इसको भी पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू करते हैं फ्रेंड। तब तक ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको एक स्टेप और दिखाऊँगी, बने रहिए। देखिए जो लास्ट में डाले थे वो भी हो चुका है, इनको भी निकाल देते हैं अब हम, एक थाली में रख लेंगे निकाल निकाल करके। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो गए हैं ना, एकदम हेल्दी है ये, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है पेट के लिए, बढ़िया। ये चावल के आटे का हम लोगों के यहाँ बनता है, बहुत लोगों के यहाँ, और बहुत लोगों के यहाँ गेहूँ के भी आटे का बनता है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं गैस को। देखिए अब मैं जो फ्राई करना है ना जितना उतना मैं रखूँगी, बाकी मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो इसमें से मुझे जितना फ्राई करना है उतना मैं रख लेती हूँ, जाएगा खाना भी क्योंकि साथ में है। तो हम बस अब इतना ही बनाएंगे, फ्राई करेंगे नहीं, अभी और रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं भर के सारा रख दे रही हूँ, इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो आप एक हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये, आप इसको चाहे ऐसे ही खड़ा फ्राई करिए या फिर आप इसको चाकू से छोटे छोटे पीस कर लीजिए। देखिए इस तरीके से पीस कर लेंगे ना तो जो नमक मसाला रहेगा अच्छे से लगेगा। देखिए ये अंदर से एकदम अच्छे तरीके से पक चुका है, देखिए टाइट हो गया है। तो जब हम कट करके पीस करके बनाते हैं ना तो फ्रेंड फ्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप छोटे बड़े जिस पीसेज में कर सकते हैं कर लीजिएगा, बहुत लोग पहले खड़ा ही फ्राई कर लेते हैं उसके बाद काटते हैं। तो मैं सारा काट के तब नमक वगैरह जो भी लगाना होगा लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से काट लेंगे हम सारा, एंड आप देख सकते हैं सारे को मैं काट दी हूँ पीसेस में। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं और एक बार दिखा दूँ आपको पास से, देखिए फिलिंग बहुत अच्छी सी भरी हुई है। और ये जो बचा हुआ है ना इन सबको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ चल के। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे, आराम से बनाते रहेंगे, जब भी खाने का मन होगा तो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ अभी हम गैस ऑन कर लेते हैं फिलहाल,
फिर से एक बार, और एक कढ़ाई चढ़ा देंगे जिसमें भी आपको फ्राई करना हो। ये है चीज, मैं चीज में फ्राई कर रही हूँ, आप घी वगैरह किसी में भी फ्राई कीजिए। ये चीज मेल्ट होने लगा है, अब इसमें हम डाल देंगे जीरा और हम इसमें डालेंगे कटे हुए मिर्ची प्याज। तो मिर्ची को मैं बीच से फाड़ी हूँ और प्याज को लंबा लंबा काटी हुई हूँ, तो इनको हम हल्का गोल्डन करेंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड हल्का गोल्डन हो चुका है, अब हम जो काट के रखे हैं सारे फरों को डालेंगे। इसे फरा बोला जाता है, हर जगह पे अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। फ्रेंड मेरे ससुराल में ना इसे बहुत गंदे नाम से बुलाते हैं। इस तरीके से हम इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, और नमक अगर आप आटे में नहीं डाले हैं तो ऊपर से थोड़ा नमक छिड़क सकते हैं, बट मैं आटा नमक डाल के सानी थी तो नमक बिल्कुल मैं अब नहीं यूज करूँगी। बस इसमें लास्ट में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। बस ये झटपट नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। फ्रेंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये खाइए, देखिए कांटा वाला चम्मच लीजिए, इस तरीके से कोचिए, इस तरीके से उठाइए, इस तरीके से खाइए, है कि नहीं ये मेरी टेस्टी डिलीशियस। खाइए आप लोग, बाय बाय।